हेलो माय शिवरिंग स्टार्स टुडे आई शोर ग्रोवर वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीवीटी वाला सो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू योर सुपर 50 सीरीज और आज हम करने जा रहे हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सो माय होप्स सो स्टूडेंट्स आपने एनसीआरटी बुकलेट को एक बार रीड कर लिया होगा इस चैप्टर के रिगार्ड में

यू नो व्हेन वी रीड एनसीईआरटी तो हम कई चीजें ना स्किप कर जाते हैं जल्दी-जल्दी में भी हाँ ठीक है रीड कर लिया डन है लेकिन जब उसी को हमें क्वेश्चंस uh, में अप्लाई करना है उसी टॉपिक को तो थोड़ी सी दिक्कत आती है है ना तो इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल चैप्टर्स में करेंगे उतना ज्यादा वो आपको याद होगा राइट सो लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर विद अ ब्यूटीफुल स्माइल जी चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सभी के स्क्रीन पर है ध्यान से देखना इज मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर स्वीटनर कहा जाता है बट इज ओनली लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज ए कहता है द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट बी कहता है टू मेनी कैलोरीज आर रिलीज एट हाईो टेम्परेचर सी कहता है रिलीज एसिडिक एसिड वेन नॉट इन कोल्ड मीडियम और डी कहता है अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर सो लेट मी टेल यू स्टुडंट अगर आप इस आपटिक्युलर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हो तो इस एक है, very, very ये कुछ कोल्ड फूड और कोल्ड के लिए अनस्टेबल होता है, पर. ये क्या करता है खुद को वेरियस में डिसोसिएट कर देता है तोड़ देता है टूट जाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर इस वजह से ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर आई होप सो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है ठीक है अब अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में मैं बताऊं वो टूटेगा तो उससे बहुत ज्यादा सेवरल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे आंसर यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आस मैच द फॉलोइंग है आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है ठीक है अगर मैं लिस्ट वन की बात करती हूँ सो यू हैव पेन किलर्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूसिंग फीवर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन तो इनमें से आप क्या लेंगे मतलब क्या लेना चाहिए ठीक है कैसे आप उसको करोगे तो देखो मेंटल डिजीज है या डिप्रेशन टाइप ऑफ डिजीज है तो ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है? है ना बोलो जी किया जाता है कि नहीं किया जाता है हा जी मैम बिल्कुल है ना तो हम कह सकते हैं डी का तो क्या होगा फोर्थ होगा ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन का क्या होगा फोर्थ होगा तो डी का फोर्थ डी का फोर्थ ना तो हमारा ये ऑप्शन है ना ही हमारा ये ऑप्शन है कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस याद लगाओगे तो देखो अगर आप या तो ये होगा ये होगा तो दोनों में सी का फर्स्ट है रिड्यूसिंग फीवर के लिए आप एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हो अब क्या बचता है अब आपके पास पेन किलर बचता है और आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बचता है तो पेन किलर के लिए आप लेंगे किसे आप लेंगे एनलजेसिक को और ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शन के लिए आप लेंगे एंटीबायोटिक्स को राइट आई होप सो दिस इज क्लियर तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी मैच द फॉलोइंग में

ठीक है एक साल ही हुआ है, देखा जाए तो बेसिकली है ना तो जो पिछले साल के क्वेश्चन है और जो मतलब इस ईयर जो इससे पहले वाला ईयर था और उससे पहले वाला ईयर था ये दो साल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं दो साल इन द सेंस वी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन और पिछले साल जो आए थे वो क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन देखो किस तरीके से मिल रहे हैं एस पर टेम पे क्वेश्चन आपको दो दफा देखने को मिल गया

तो अब यहां देखते हैं, देखो एंट एसिड की बात करते हैं तो रेनेटाइन हो जाएगा है ना ए का फोर्थ होगा ए का फोर्थ हो जाएगा सीधी सी बात है इसके बाद आगे देखते हैं एनएल जैसे की बात करते हैं तो एस्पिरिन यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा ठीक है एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक हमारा क्या है पेनिसिलिन है ठीक है और एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो ऑफ आयोडीन तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां से सही हो जाता है

ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो दोनों की तरह काम करेगा ठीक है दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा नार्कोटिक एनल जैसे के नॉन नार्कोटिक एनल जैसे के ट्रैंक्यूलाइजर है या एंटीबायोटिक है बताइए देखो अगर आप पैरासिटामोल की बात करते हो तो वो एंटीपायरेटिक बायोटिक बेसिकली दोनों की तरह यहाँ से बिहेव कर रही है और वो एक तरह से नॉन नार्कोटिक एनर्जेसिक है तो हम ऑप्शन नंबर बी पे सही कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि वो फीवर को भी रिड्यूस करती है इन अदर वर्ड्स और वो हमें पेन रिलीफ भी देती है है ना तो बी सही होगा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आर द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट आप ट्रेंक्यूलाइजर्स का किसके लिए इस्तेमाल करते हो कैंसर एड मेंटल डिजीज या फिजिकल डिसऑर्डर तो अभी मैंने बताया मेंटल स्ट्रेस जितना भी आपको हो रहा है तो वो सब ट्रैंक्यूलाइजर से ही सॉर्ट होता है तो मेंटल डिजीजेस सभी इससे आप सॉर्ट कर सकते हो

ये नार्कोटिक एनर्जेसिक है ये नार्कोटिक एनर्जेसिक है ठीक है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स विच ऑफ दी फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज अल्सर इन द स्टमक भाई इनमें से कौन सा अल्सर कॉज करेगा ल्यूमिनल एस्पिरिन फेनल या आईब्रोनाइज तो बेटा जो एस्पिरिन होता है वो कर देता है अल्सर हो जाते हैं गट में भी हो जाते हैं स्टमक में भी हो जाते हैं बेसिकली तो और ज्यादा यूज होने से हो जाता है तो बी इसका सही जवाब होने वाला है

नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी ए ऑप्शन कहता है कंटेन एस्ट्रोजन ओनली बी ऑप्शन कहता है कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन ओनली

मिकल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बेिस ऑफ मॉलिकुलर टारे ऑन द बेिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्टेंट इसकाशन मानी जाती है क्या सभी को क्लियर है चलिए अगला देखते हैं शाल्वी शाल्वी बोलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कौन बताएगा इसका सही जवाब कौन बताएगा इसका सही जवाब सोचिए सोचिए वो कहते हैं सालवरिजन इज एन आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वॉज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ तो ये uh, के लिए यूज किया गया था ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मूविंग ऑन टू ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिकटिव अगेंस्ट विच काइंड ऑफ डिजीज बेसिकली भाई किसके लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिंगल ऑर्गेनिज्म ठीक है और वन डिजीज बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव तो यहां पे आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाएगा ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़े बोलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द कंपाउंड दैट कॉजेज जेनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वॉट भाई वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है तो बहुत सिंपल सी बात है एंटी डिप्रेसेंट पहले भी बताया था ट्रैंक्यूलाइजर्स होता है ट्रैंक्यूलाइजर्स होता है तो ये सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इंपार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इज वॉट भाई कौन सा कंपाउंड एड करते हो देखो सोडियम लॉरियल सल्फेट सोडियम डू डेको सॉरी डू डिसाइल बेनजिन बेंजीन सल्फोनेट रोजन या फिर बाइथियोनल तो बेटा ये बिल्कुल सही होगा बायथायोनल ठीक है अगला प्रश्न विच ऑफ दी फॉलोइंग एनहांसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप सोडियम कार्बोनेट सोडियम रोजिनेट सोडियम स्टेरेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट क्या लगता है भाई क्या लगता है सोचो क्या लगता है क्या लगता है क्या होगा बोलिए कौन सी एनहांस करता है लेदरिंग प्रॉपर्टी लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप बेटा कौन करता है तो इसका आंसर आएगा सोडियम रोजिनेट ठीक है चलिए अगला सवाल क्या आता है ग्लिसरोल इज एडेड टू सोप क्यों ऐड करते हैं ग्लिसरोल को भाई सोप में कौन बताएगा कौन बताएगा किस तरह काम करता है फिलर की तरह लेदरिंग बढ़ाता है रैपिड ड्राइंग से प्रिवेंट करता है या को बनाता है। तो ये रैपिड ड्राइंग से हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है अगला क्वेश्चन क्या है अगला विच ऑफ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट तो जो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है एक तरह से वो नॉन पोलर होता है उसपे पोल्स नहीं होते हैं तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो थर्ड देखो सी देखो और डी देखो सब पे पोल्स है बी पे नहीं है तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिकॉज़ इट इज नॉन पोलर क्योंकि वो कैसा है वो नॉन पोलर है उसपे पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं मिलेंगे अगला क्वेश्चन है पॉलीएथिलीन ग्लाइकولز आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ डिटर्जेंट सोचिए भाई तुम इसे किस टाइप ऑफ डिटर्जेंट के प्रिपरेशन के लिए बनाते हो

अगला सवाल अब आता है केस बेस्ड है केस को पढ़ते हैं क्या क्या कहना चाहता है इसको रीड करते हैं तो वो बोलता है फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बात की है वो 550 टाइम्स स्वीट है केन शुगर की तरह इट इज कंज्यूम्ड एज इट इज हार्मलेस इन कम्पलीटली नॉट यूजफुल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए एज पर टेम मैंने बताया था यूजफुल और सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है इट इज रफली हंड्रेड टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर ये मिथाइल एस्टर होता है बॉन्ड का जो बनता है एस्पार्टिक एसिड से और फिनाइल एलिन से उसके बाद वो कहते हैं यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड होता है कोल्ड फूड से सॉफ्ट ड्रिंक से बिकॉज ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे एलेटेम जो

आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है भाई ये न्यूट्रिशन वाली एड नहीं कर रहे सिर्फ एक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो डी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन कहता है द यूज ऑफ इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स बिकॉज ये ये देखो क्वेश्चन दस दफा आ चुका है भाई हर बार ये क्वेश्चन आएगा मतलब पेपर में इसलिए यह अनस्टेबल होता है जब तुम इसको हीट करते हो कुकिंग टेम्परेचर पे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन अ अ केमिकल दैट कैन बी एज स्वीटनिंग एजेंट ठीक है टेम्परेचर आनेरी फ्री भाई कौन सा यूज कर सकते हैं अभी तो क्या था सुक्रे लूज कर सकते हैं ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भाई कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप फूड प्रिजर्वेटिव के लिए तरह यूज ही नहीं कर सकते हो तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको यूज नहीं कर सकते हो इट कैन नॉट बी यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भाई खाने के बढ़ाने के बढ़ाने लिए, ताकि कुछ समय तक वो खाना सही रहे हम क्या करते हैं क्या add करते हैं फूड कलर स्वीटनर्स आर्टिफिशियल फ्लेवर या antioxidant? Simple सिंपल एंटी ऑक्सीडेंट करते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करके खराब ना हो जाए उसको बचाने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं अब आते हैं कुछ एजर्शन रीजन क्वेश्चन तो एजर्शन रीजन की आपको मैं पहले रूल्स बता देती हूँ एजर्शन रीजन में बहुत सिंपल है अगर आपका एजर्शन सही होता है और रीजन भी सही होता है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है मतलब तुम्हें दो स्टेटमेंट्स मिल रही है जैसे यहाँ देख रहे हो और अगर दोनों स्टेटमेंट सही होती है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को समझा पा रही है एक्सप्लेन कर रही है उसका रीजन बन पा रही है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है अब अगर आपके एजर्शन सही है लेकिन आपका रीजन भी सही है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा

तो मैं आपको साफ बता देती हूँ इसमें इजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है चले आगे चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स आर आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस सोचो ये देखो, ये देखो बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं मैम तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा Moving on to next question. Enzymes have active site that holds substrate molecule for a chemical reaction, ठीक है उसके बाद drugs compete with natural substrate by attaching covalently to the active site of enzymes. तो भाई फिर से वही बात है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो तो ये तो बिल्कुल सही है उनके पास active site होती है लेकिन ये बहुत गलत है drugs compete with compete with natural substrate नहीं by attacking covalently ये गलत है तो assertion सही reason गलत तो option number C आपका सही हो जाएगा ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कहता है केमिकल मैसेजर्स आर द केमिकल्स दैट एनेबल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स केमिकल्स एंटर द सेल थ्रू रिसेप्टर तो ये सही है बिल्कुल लेकिन ये गलत है ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा

है ना ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी देखा है नेक्स्ट एन यूज़ एज अ मेडिसिन में से कौन सा है जिसको आप मेडिसिन की तरह यूज़ करते हो सोचिए uh, किसका इस्तेमाल किया जाता है यस yes. मेडिसिन की तरह किसका इस्तेमाल किया जाएगा मिथाइल सेलिसाइलेट का किसका मिथाइल सेलिसाइलेट का इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है ये एस्पायर की इसको एस्पायर भी बोलते हैं ठीक है, है? एस्पिरिन भी बोलते हैं ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरी सिडल ठीक है कौन सा होगा भाई सोच समझ के जवाब देना तो पेनिसिलिन जो होता है दैट इज योर बैक्टीरिया सिडल अगला आता है विच वन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भाई इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होगा तो देखो क्लोरोकोल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ठीक है जी चलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज नॉन एज वॉट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये क्या होता है क्या बोलते हैं भाई इसको ये होता है हमारा क्लोर एम्फिनिकोल ठीक है ठीक है चलिए अगला आता है द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन्स वॉट ये जो टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको देखने को मिल रहा है भाई इसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं बोलिए क्या कहते हैं बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कहते हैं बैक्टीरियो स्टेटिक एंटीबायोटिक कहते हैं विच किल और एनिबेट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या विच किल और एनिबेट ऑल टाइप्स तो यही आएगा जो किल करता है एनिबेट करता है वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया

अब अपन आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है एन आर्टिफिशियल स्वीट नो इज अ डेरिवेट ऑफ सुक्रोज अरे अभी तो किया था सुक्रलोस सुक्रलोस ठीक है अगला एस्पार्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मेड बाय डाइपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड भाई कैसे बनता है कैसे बनता है एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिन हां जी बिल्कुल सही आगे जाने की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है अगला क्वेश्चन वॉट इज द प्रॉब्लम फेस्ट यूजिंग एल ए आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप उसको एज आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हो इट टू द फूड आइटम्स कर जाता है इट अ ह्यूज नंबर ऑफ कैलरीज टू दू फूड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ द फूड यूजिंग इट हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इट मतलब उसकी स्वीटनेस को बढ़ती रहती है इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स तो ये आएगा इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड वाइल यूजिंग इट ठीक है ठीक है चलिए अगला देखते हैं वो कहता है सोप्स डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस बिकॉज क्यों काम नहीं करता कैल्शियम प्लस टू एंड मैग्नीशियम प्लस टू आइनस फॉर्म इन सोलिबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ठीक है इन द फॉर्म ऑफ स्कम उसके बाद वो कहता है ए पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव प्रेजेंट इन सोप रिएक्ट विद दिस एंड क्लीनिंग प्रोसेस अर्ज अमाउंट ऑफ सो बी यूज इन दस सी ए प्लस टू एंड एम जी प्लस टू और उसके बाद कहता है जो यहां पे हमारा जो बनता है स्कम वो दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव सी ए प्लस टू एम जी प्लस टू स्टिक टू द क्लोथ एंड आर नॉट रिमुव बाय एग्शियम तो एप्शन इसका बिल्कुल सही होगा इन सोलबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट देता है ठीक है नेक्स्ट विच इज नॉट ट्रू फॉर अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कौन सा एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ठीक है इट हैज अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट एन अ पोलर ग्रुप इट इज नॉट